अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो सुबह का व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा मशगूल था, इतना ज़्यादा मशगूल था कि मैं जस्ट अभी आया हूँ। मैं लेकर आया था कुछ सामान क्या क्या लेकर आया हूँ वो आपको दिखा देते हैं। मैं सिलिकॉन लेकर आया था, सिलिकॉन इसलिए लाया था वो भी बताऊँगा, और ये पन्ना लेकर आया था। बरसात के टाइम की जो तैयारी होती है वो कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में बरसात में अपने को दिक्कत ना पड़े। तो ये सिलिकॉन है भाई लोग, इसका रीज़न ये था कि इस चादर में तो थोड़ा सा पानी आ रहा था, कहीं कहीं को इसमें छेद हो रहे हैं, वो हम लोग इस पर चले जाते थे तो उसकी वजह से इसमें छेद हो गए। बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हल्के फुल्के हैं जैसे दिख रहे हैं ना, तो इससे यहाँ पर आने वाले जानवरों को दिक्कत आएगी। फिर वहाँ पर हमारा गोडाउन टाइप भी है तो वहाँ पर भी दिक्कत आ सकती है, तो उस वजह से हम लोगों ने इनको बंद करने के लिए सिलिकॉन लाया था। फिर हमारे जो फार्म पे वो आप देख रहे हो दीवार पीछे, ये इसके बिल्कुल बीच में हम लोगों को लगानी है ताकि नीचे से पानी ना आए। और ये जो हमारा ऑफिस का है इसमें भी मुझे कहीं को पानी दिखा था कल जो बारिश आई थी, इसके ऊपर एक पन्ना पड़ा है लेकिन वो फट गया है, तो ये पानी आया था हल्का सा यहाँ से, तो इसके ऊपर हमें वापस से चादर लगानी पड़ेगी ताकि दिक्कत ना रहे और सामान आ जाएगा इंशाल्लाह। कल मैं यहाँ पे मैट वैट बिक जाएगी, ऑफिस की चेयर वगैरह आ जाएगी, और ये फ्रिज आ गया यहाँ पे, ये घर रखा था फ्रिज मेरे तो यहाँ पे आ गया ताकि आने वाले मेहमानों को हम लोग यहीं से ही सर्व कर सके कोल्ड ड्रिंक और पानी वगैरह। तो यहाँ आ गया है, यहाँ पर बेड आ जाएगा, दो बेड लिए हैं और पंखा ही लग गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यासिर भी आने वाला है, उसके बाद फिर काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे। तो ये काम हो गया, अभी साफ़ सफाई होनी है। बारिश कल हुई थी, आज धूप निकली है अल्हम्दुलिल्लाह, और उमस का मौसम है भाई। और अभी ये महीना 15-20 दिन इस महीने के रहते हैं, 10-12 दिन ये महीना ख़त्म हो जाएगा तो अगला महीना इससे भी ज़्यादा उमस का है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फार्म पर, बीमारियों से बचाना होगा क्योंकि ये अगस्त के मौसम में बहुत बीमारी आती है। तो तुम भी भाई प्रिपेयर रहना, सब प्रिपेयर का मतलब है कि तैयार ही रहना और जानवरों के साथ अच्छे से अच्छे तरीके से ट्रीट करना ताकि आपके जानवरों को मसला ना आए। अभी मैं गद्दे और बेड लेके आ गया हूँ, अभी बेड की थोड़ी सी क्या नाम है जो गद्दे वद्दे हैं उनकी साइज वाइज कंफर्ट कर रहे हैं वो लोग, और मेरे को फ़ोन करेंगे मैं जाऊँगा उठाने। बस रिक्शा वगैरह रखी है तो लेके फटाफट से आ जाएंगे। अभी यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगनी बाकी है, एक फीडर ये बनवाया है अलग से, तो इस बाड़े में हमारे काफ़ी फीडर हो गए, ये भी फीडर हो गया है, ये देख लीजिए। काफ़ी सारे फीडर हो गए हैं और अभी हम लोग जो खिला रहे हैं मैं वो भी दिखा दूँ, गेहूँ है और हरी पत्ती है, ठीक है। एक बकरे को 700-750 ग्राम टोटल पूरे दिन में दाना हम लोग अभी फ़िलहाल खिला रहे हैं, इससे ऊपर दाना नहीं दे रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ बकरों के साइज़ बड़े हैं, इनको 1.5-2 किलो दाना लगेगा मगर अभी नहीं दे रहे। आप लोग भी मत देना, बकरों के अंदर लपक रखना जिसमें लपक रहे ताकि जब उमस का मौसम ख़त्म हो और सर्दी आए तो बकरे अच्छे से खा लें। और एक ये बनवाया था भाई, इसमें हमने दो तरह के बाड़े बनवाए हैं ये बच्चों के, इसमें जो होने वाले नए होने वाले बच्चे होंगे वो इसमें आएंगे और इसमें बच्चे थोड़े बड़े जब हो जाएंगे वो, और इसकी थोड़ी हाइट हमने बड़ी करा दी ताकि नीचे से साफ़ सफाई भी करा सके। और ये माशाल्लाह वो चारों बच्चे हैं जो अभी फार्म पर पैदा हुए थे भाई, इनको पूरी को गीली कर दे, हाँ गीली कर दे, दूध पिला देना। तो ये आज के फार्म की हमारी अपडेट है, और अभी मेरे को जाना है। और आज एक और गुड न्यूज़ है, मेरी बिल्ली आ गई है, मेरा मतलब बिल्ली वो मेल है और वो आ गया है, तो उसको भी लेने जाना है, तो इंशाल्लाह पॉसिबल रहा तो उसको भी व्लॉग में दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। बस अभी निकलता हूँ, काम निपटाते हैं और फिर चलते हैं इंशाल्लाह, और आपको बिल्ली से मिलवाते हैं हमारी। और ये अभी दूध पीने जा रहे हैं, इसके माशाल्लाह दूध वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो इसको पकड़ के पिलाना पड़ता है, इसे नहीं पिलाना बेटा, पकड़ के पिलाना। और वो जो बच्चे खेल कूद रहे हैं वहाँ पर वो इसके हैं, ये जा रही है अपने बच्चे के पास, और उन्होंने अब तक आवाज़ नहीं सुनी अपने बच्चों की, और ये मिल गए तो ये माशाल्लाह आ गए, ये दूध पे लग गए, ठीक है। और ये हमारा गंगा पारी बच्चा चुप ही नहीं हो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है, दूध पिएगा क्या तू, दूध पिएगा, इसको दूध पिला यार किसी बकरी का ताकि इसे अच्छा लगे, हैं ये माशाल्लाह गंगा पारी का जो बच्चा मैंने बताया था कि हम लोगों ने लिया है, अभी देखते हैं इंशाल्लाह कैसा बनता है। और ये इस तरफ की साफ़ सफाई हो गई, और ये हमारे नए दोस्त हैं राजू भाई जो कि फार्म पर रहने लगे हैं, तो ये सारे काम हुए हैं फार्म पर। एक काम और मैं दिखाता हूँ जो हुआ है फार्म पर भाई, वो जो फार्म पर मेन गेट था जहाँ पर कैमरे लगे थे उसको हमने थोड़ा सा हाइट में ऊँचे कराया, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि जो ट्रक वगैरह आते थे तो वो लगते थे उसके ऊपर, जिससे पूरा फार्म का सेटअप ख़राब हो सकता था, तो वो ऊपर करा दिया है।
अब वो माशाल्लाह काफ़ी हाइट पे हो गया है, तो वो दिक्कत नहीं पड़ेगी। अभी बस कैमरे वाला रह गया, क्योंकि कैमरे उतर गए आज ना वहाँ पे, वेल्डरों ने कैमरे उतार दिए हैं, तो अभी आएगा कैमरे वाला और वो लगा के चला जाएगा। और अभी मुझे और भी बहुत सारा काम निपटाना है, जैसे कि ये जो आप देख रहे हो सामने, ये सारी ईंट वगैरह उतरेगी और ये पन्ना लगेगा इस पर। बहुत ज़्यादा धूप है, हालत बहुत बुरी हो जाएगी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। और ये हमने ऊंचा करा लिया है। एंड दोस्त, अभी हमारा कमरा रेडी भी नहीं हुआ और मेहमान आ गए हैं रहने। ऐसे चल के आते हैं जैसे बहुत बड़े नवाब हो, और इन्होंने मुझे यहाँ पे देख लिया और अभी चुपचाप देखो शर्मिंदा हो गया थोड़ा सा ना कि यार कहाँ गए, चलो चलते हैं। बाय। रब्बुल आलमीन, सौजत का माल आ चुका है भाई लोग, बट अभी इसमें से कुछ बकरियाँ हैं, 3-4 बकरियाँ हैं और कुछ अजमेरे हैं। अजमेरे वाइट आइज अजमेरे हैं, बहुत अच्छे बनने वाले। ये दो बकरे ऑलरेडी बुक है, तो ये सेल के नहीं है, जो बड़े बकरे हैं। बाकी माशाल्लाह चेक करिए, एक ये बकरा आया गुजरी में, 43 की साइज़ है। जो हमारा बकरा था रबाबी, उसका बेटा है और बहुत ही नायाब बकरा आया है माशाल्लाह। इसके पैरों वैरों की शेप आप देख सकते हो। और ये बकरे और ये बकरे, वो सब माल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन सोल्ड है, वो जाएगा। और ये सारा ट्रेडिंग का माल वापस से आया है। तो इनकी वीडियोस में लेकिन आज नहीं लगाऊंगा, क्योंकि सारे बकरे वाइट है और थकान में है, तो इनको पहले थोड़ा सा फ्रेश कर लिया जाए, उसके बाद आपको दिखाऊंगा मैं। ये अभी इनकी फर्स्ट टाइम की डाइट चल रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने इनको हरी पत्ते डाली है। ये बकरा देखिए माशाल्लाह, बहुत ही लेवल वाला बकरा है, और अल्लाह ने चाहा तो ये रबाब से भी बेहतर बनेगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छे फेस वेस का बकरा है और हाइट वाइट अच्छी है, और अभी 6 ही दांत है और 43 की साइज़ है इसकी माशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो ये 44 हाइट करेगा, और 44 का गुजरी बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। और इसका ना बकरे का पूरा कंप्लीट बकरा है, बोन्स बहुत हैवी है, आप शोल्डर चेक करो उसके, सिक्के विक्के बहुत अच्छे हैं। और ये वाइट आइज के सोजत वगैरह आए हुए हैं, इसमें मुंडे बच्चे भी हैं और सींग वाले भी हैं। इन सबको इंशाल्लाह शो करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, आज के व्लॉग में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अभी बकरे आए हैं नए नए और थकान में, प्लस मेरे पास थोड़ा सा फ़िलहाल काम का बड़ा इशू है, क्योंकि हम लोगों ने अभी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये राजस्थान की मिट्टी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बेड वेड भी लग गया है भाई यहाँ पे, ये फ्रिज लग गया है, ये बेड हो गया यहाँ पे, और LED आ गई है ताकि कैमरे वैमरे ट्रैक कर सकें। इसको रखते हैं उठा के। काफ़ी सारे काम हुए हैं यहाँ पे, और अभी आज ऑफिस भी बन जाएगा इंशाल्लाह, सारा सामान आ जाएगा ऑफिस का। ये अल्हम्दुलिल्लाह काम में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है भाई। और पंखे की बात हुई थी, क्योंकि ये तरफ तो माशाल्लाह पंखे वंखा है, ये है, लेकिन इस तरफ पंखा नहीं है और इस तरफ गर्मी है, तो इस तरफ पंखा लेकर आया हूँ ताकि यहाँ के जानवर भी सेफ़ रहे और खुश रहे। बाकी अल्लाह का शुक्र है, सारे जानवर जुगाल रहे हैं और सारे फिट एंड फाइन हैं, अल्लाह इनको नज़र बद से बचाए। देखना माशाल्लाह कितने प्यारे, अल्लाह इनको नज़र बद से बचाए, बस अब ये फल जाए। और क्वालिटी की बात जो मैं करता हूँ, तो मैं क्वालिटी दिखाता हूँ आपको, क्वालिटी किसको कहते हैं, ये देखो, दिख रही है, ये देखो, ये देख लो कितनी बारीक स्किन का बकरा है माशाल्लाह। ये बकरा ना भाई, जिस दिन से बनना शुरू होगा और बनते बनते जिस टाइम ये रबाब की पोजीशन पे खड़ा होगा, तो ये अल्लाह ने चाहा तो रबाब से भी 2 नंबर आगे का बकरा निकलेगा इंशाल्लाह। पैर का साइज वगैरह, पैर के साइज देखो इसके माशाल्लाह। और अभी बहुत थकान में बकरे ना, काफ़ी अच्छे अच्छे बकरे आ गए अल्लाह का शुक्र है, ट्रेडिंग के लिए भी अपने पास। कुछ बकरियाँ हैं इसमें, लेकिन वो सेल की नहीं है, वो अपनी पर्सनल है। और ये वो मिट्टी होती है जो सीकर की साइड से मिलती है, कि ट्रक में जो आई थी तो मैंने उतार के रख ली थी। और अभी हमारा कबूतर का ये बच्चा भी देखो माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है, और वो नीचे भी कबूतर ने बच्चे दिए हैं 2, तो ये भी न्यू एंट्रियाँ चल रही है। और ये हमारा साथी जो मास्टर पैक हो रहा है, जो भी जाएगा, और अभी फ़िलहाल शायद आवाज़ नहीं आ रही हो, तो इस करके इधर आगे बताता हूँ आपको कि साबिर जी का डलफिड का किट डाइट मास्टर पैक हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे लेवल पर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक यूज़ नहीं किया अपने अदंत बच्चों पर, तो यूज़ करना, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। और बाकी हमारा ये मेन बाड़ा है, इस तरफ के छप्पर के लिए मैं कोई आदमी देख रहा हूँ। अगर आप लोगों की नज़र में कोई हो जो बहुत अच्छा छप्पर बांधता हो, क्योंकि जो छप्पर बांधता था हमारे यहाँ पर, एक आदमी था जो कि मेरे गांव से 5-7 किलोमीटर दूर रहता था, उसका इंतकाल हो गया,
अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। बहुत अच्छे छप्पर वो बांधता था लेकिन अभी वो है नहीं, तो अगर आप लोगों की नज़रों में कोई हो छप्पर बांधने वाला तो मुझे बताना, क्योंकि मेरी प्लानिंग ये है कि जो हमारी बकरी आई है इसको छप्पर को अच्छे से बंधवा के बहुत अच्छे से, और नीचे मिट्टी विट्टी डलवा के इस पूरे बाड़े में हम लोग हमारे कोटे बकरे रखेंगे, और कोटों के अलावा जो हम इसमें रखेंगे वो रखेंगे हमारी बकरियाँ। तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ये हमारे ऑफिस का व्यू है भाई लोग, माशाल्लाह पूरा फार्म फुल हो चुका है, अल्लाह का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे बड़े सभी साइज के बकरे आ गए हैं, और कुछ बकरे हमारे अंदर ही रहते हैं, बाहर निकलते ही नहीं है उनको इतना अलग से, और इस तरह के सारे बकरे देख रहे हैं। और मेरी बिल्ली आने वाली है, वो जो था मेल लिया था मैंने किटन, वो कल इंशाल्लाह ब्लॉग में दिखाऊंगा, आज नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा काम में ही हूँ आज भी। आज अगर फार्म के काम से फ्री हो गया तो इंशाल्लाह जाऊंगा मैं और उसको उठा कर लाऊंगा, और फिर इंशाल्लाह कल से अपने किटन के साथ अपन मस्ती करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कैमरे भी ऑन हो गए एलईडी में, और सरकार सागर पाक का रोज़ा शरीफ। ये टेबल वगैरह लग गई, चेयर वगैरह लग गई, बस साफ़ सफाई होनी बाकी है। इंशाल्लाह इसको शाम को आके करूँगा मैं, अभी थोड़ा सा काम निकालने जाना है, एंड अभी मुझे मेरा मसाला भी छोड़ने जाना है डाइट मास्टर, क्योंकि कल मैं कई डाइट मास्टर रखने गया था, आज जा जाऊँगा मैं। लोगों ने बकरिया को इस तरफ किया है और बकरों को उस तरफ डाल दिया है, इस तरफ सारे मेल है और इस तरफ फीमेल आ गई, अभी ये चार फीमेल हुई है, और मेरे फार्म पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 बकरियाँ हो गई। तो हम लोगों को कल से यहाँ पर काम स्टार्ट करने का है छप्पर का, इसको इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से बनाएंगे, और फिर इसमें हमारी पूरी फीमेल जितनी भी रहेगी बकरियाँ और उनके बच्चे यहाँ पर खेलेंगे, उनके बच्चों को यहाँ पर स्पेस मिल जाएगा बाहर खेलने कूदने का, और मोस्टली बकरियाँ इसमें रहेगी जितनी भी ज़्यादा है, और ट्रेडिंग के जो बकरे हैं वो उस तरफ हैं। कल को इंशाल्लाह इनकी वीडियोस मिल जाएगी आप लोगों को, और अब मैं व्लॉग डालूंगा इनका, व्हाट्सएप पे स्टेटस भी रखूंगा, प्लस हो सकता है तो मैं लिंक वगैरह भी शेयर करूंगा मेरे इंस्टा वगैरह पे, तो जिस किसी भाई को चाहिए रहेंगे वो रख लेना। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा माल आया भाई, अल्लाह का शुक्र है। और ये हमारे कबूतर, आज आपको मेरे जो नए दो बच्चे आए हैं कबूतर के वो भी दिखाते हैं। ये देखो माशाल्लाह, ये ऊपर जो है ना, ये दो बच्चे हमारे फार्म पर ही पैदा हुए थे, दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह, और तीसरा इनका भाई ये है, और ये दो बच्चे उसके हैं जो मोटे वाला कबूतर है ना हमारा, मैं बताता हूँ कौन से वाले कबूतर की बात हो रही है, ये वाला वो जो नीचे दो बैठे हैं, और जो ऊपर एक बैठा है वो इनका है। तो अभी मुझे ना कबूतर की पेटी लेके आनी पड़ेगी बड़ी, क्योंकि इनका परिवार बड़ा हो रहा है, और ये कहाँ पर रहते हैं मोस्टली, ये हमारे नमाज घर में हम लोगों ने अभी फ़िलहाल स्टॉक रखा हुआ है क्योंकि वहाँ पर, और ये मैं पेड़ भी लेकर आया हूँ, ये पेड़ में इंशाल्लाह, ये पेड़ की बेल है, ये यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ से फिर ये पूरे पे आ जाएगी इंशाल्लाह, तो बरसात बरसात के बाद ये भी बढ़ जाएगी। तो ये हो गया, अभी मसाला स्टॉक करने जा रहा हूँ ऑफिस में, क्योंकि आज टाइम ज़्यादा हो गया मैं जा नहीं पाया था, एंड ये बच्चा भी खा पी रहा है माशाल्लाह, और ये बकरे इधर आराम से खा पी रहे हैं मस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। जितने बकरे जाने थे तोतापुरी के सब चले गए, अल्लाह का शुक्र है। अब उसमें बकरे बचे हैं तीन, और ये अपने माशाल्लाह माशाल्लाह सब खा पी रहे हैं। ये बच्चा देखिए माशाल्लाह, लुक देखिए इनका, ये भी बहुत प्यारा बकरा है, सब बहुत अच्छे बकरे हैं। वाइट आइज में अजमेरे आए हैं जो कि बहुत रेयर है, और बहुत अच्छे बकरे हैं ये दो बकरे, सोल्ड है भाई, इन दो बकरों के लिए बात ना करें, लेकिन ये वाले बकरों की वीडियो इंशाल्लाह आएगी जल्दी, तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा, एक झलक आपको दिखाऊंगा माशाल्लाह। देखिए वाइट आइज है, पूरा गुलाबी है माशाल्लाह, मार्बल सिंह मार्बल खुर, प्योर गुलाबी का जिसको शौक करना है। ये सब बच्चे हैदराबादी क्रॉस है, प्योर हैदराबादी नहीं है लेकिन हैदराबादी में टच है, हैदराबादी क्रॉस है, और बहुत अच्छे बकरे हैं, वाइट आइज के बकरे इसमें ज़्यादा हैं। तो इंशाल्लाह ये पूरा का पूरे स्टॉक की वीडियो कल लाइव कर देंगे अपन, आज के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ले रहे हैं हम लोग ना, इसलिए ले रहे हैं, जो पीछे हमारे फार्म की जो दीवार है उस दीवार से हम अपने चद्दर पे लगाएंगे ताकि नीचे पानी ना आए कुछ भी, ये शायद अभी समझ में नहीं आएगा, ये लग जाएगा तब आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ है। जो फार्म की बैक साइड पर चद्दर लगी हुई है ना हमारे, उसके बीच में लगेगी ताकि पानी ना आए। ये डेड मास्टर, और ये हमारा रहा कुरियर ऑफिस, ठीक है, यहाँ पर हमारा सारा स्टॉक मेंटेन रहता है, और ये एड्रेस है यहाँ का, सील लाइन कार्टरोल, ये रहा सामने, ठीक है, और एक कार्टरोल ये सामने, और इसके सामने जस्ट हमारा ऑफिस है। अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली हमारी किटन लेने, और बस 5-10 मिनट के बाद वो मेरे पास होगी, पास होगा यार, वो मेल है,
तो बार बार मैं बिल्ली बिल्ली के चक्कर में फीमेल बना देता हूँ, तो बस अभी इसको लेके आते हैं और यहाँ पर कावड़ की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, अभी अपन उसको ले लेते हैं और फिर उससे मिलवाते हैं आपको, एंड फिर उसको घर छोड़ेंगे और फिर वापस से अपने फार्म का काम निपटाएंगे और रात को जाकर उससे बात करेंगे थोड़ी सी और फिर सुबह से इंशाल्लाह उसको अपने फार्म पर लेकर चलेंगे। हाँ, हमारा शेर बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर देख, बहुत गंदा हो रहा ना चलते हुए, कल से आपसे मेरा बेटा बहुत सॉफ्ट है ना, बहुत सॉफ्ट है, मुझे इसकी केयर करनी नहीं आती बट मेरी वाइफ को आती है, तो उसका फिलहाल कुछ दिन का ट्रीटमेंट वही देखेगी और अभी हम उसको माशाल्लाह माशाल्लाह शेर है भाई ये कटेगा। चलो अब इसको छोड़ते हैं क्योंकि मैंने सुना है कि इसको भूख लग रही है और ये बहुत परेशान हो रहा है, तो उसको भी घर लेके चलते हैं, घर छोड़ के इसको अपने काम निपटाते हैं और फिर इंशाल्लाह कल से इसको अपने साथ घुमाते हैं। शेर कहाँ है, अबे हट जा, चले ले इधर आ।